और दोस्तों क्या हाल चाल तो आप सीटेड की तैयारी कर रहे हो है ना और अच्छे नंबर लाना चाहते हो अच्छे नंबर का मतलब कम से कम एक के ऊपर एक सौ तक अब इतने नंबर आएंगे कैसे देखो आप मेहनत करते हो पढ़ाई करते हो नोट्स पढ़ते हो बुक भी पढ़ते हो सब कुछ करते हो लेकिन नंबर क्यों नहीं आ रहे है? इसका क्या रीज़न है इसका रीज़न मैं बताता हूँ इसका रीज़न ये है कि आप पढ़ने के बाद प्रैक्टिस नहीं करते प्रैक्टिस करने कहाँ से है ये भी बताता हूँ मैं देखो आपको प्रैक्टिस सेट नहीं करना है है ना आपको प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना है जो भी मुझसे पूछता है मैं हमेशा कहता हूँ क्योंकि ये एक बहुत बड़ी चीज़ है प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना बहुत बड़ी चीज़ है अगर सभी प्रीवियस ईयर पेपर आपने सॉल्व कर लिए सी के तो एक के ऊपर ही नंबर आएंगे इससे कम नहीं आएंगे ठीक है तो इसीलिए मैंने बहुत से प्रीवियस ईयर पेपर मैंने सॉल्व किए हैं अपने चैनल टीचरी फाइव पे तो वहाँ पे जाके आप ज़रूर देखिए और आज भी एक सेट करेंगे हम कौन सा सितंबर 2016 पेपर वन का सीडीपी का सेक्शन थर्टी क्वेश्चंस होंगे बहुत ही डिटेल में समझाऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है ठीक है तो सेशन पूरा देखिएगा चलिए स्टार्ट करते हैं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिए अभी क्लियर है चलो स्टार्ट करते हैं तो पहला क्वेश्चन देखते हैं विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है तो संप्रत्यात्मक विकास क्या है देखो सम्प्रत्यय का मतलब होता है कॉन्सेप्ट है ना तो यहाँ पे ये बात हो जाएगी कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट कैसे होता है अब ऑप्शन देखते हैं पहला ऑप्शन विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना जब आप किसी चीज़ के बहुत से एग्जाम्पल देते हो उदाहरण देते हो और तर्क शक्ति से उस चीज़ को समझने की कोशिश करते हो तो आपकी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हो जाते हैं है ना तो पहला ऑप्शन मे बी सही होगा लेकिन बाकी ऑप्शन भी देखेंगे हम लोग सेकेंड ऑप्शन क्या होगा देखो जब तक विद्यार्थियों में वांछित सम्प्रत्यात्मक परिवर्तन ना हो जाए तब तक दंड का उपयोग करना मतलब जब तक कॉन्सेप्ट ना बन जाए तब तक उसको दंड देते रहो ये कौन सी बात हुई यार दंड देने की तो बात हमें कभी करनी ही नहीं है चाहे कुछ भी पढ़ा रहे हो कुछ भी कर रहे हो है ना तो ये चीज़ हमारी गलत हो जाएगी सेकेंड ऑप्शन गलत थर्ड ऑप्शन देखो पुराने प्रत्ययों से किसी संदर्भ के बिना नए प्रत्ययों को अपने आप समझ जाना चाहिए कहने का मतलब ये है कि बिना पुराने कॉन्सेप्ट बच्चे को क्लियर हो चाहे ना हो आप नए कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने चाहिए ये कौन सी बात हुई बिना पुराने को किए आप नए करा ही नहीं सकते या करा भी दोगे तो वो रटने जैसी बात हो जाएगी है ना तो ये चीज़ हमारी गलत हो जाएगी यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन देखो याद करने के लिए कहकर विद्यार्थियों के नए विचारों को सही विचारों में बदल देना अगर कोई चीज गलत बच्चा पढ़ रहा है तो उससे बोल दो कि बेटा ये चीज सही है वो गलत है आप इसको रट लो ये कौन सी बात है यह भी गलत है ना तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा क्लियर है चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं सेकंड क्वेश्चन है, है प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे किसमें सीखेंगे भाई पहला ऑप्शन देखो जहाँ मूल रूप से पढ़ने लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही ध्यान का केंद्र होता है और बल दिया जाता है कहने का मतलब है केवल पढ़ने लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ध्यान दे देने बाकी पे नहीं दे रहे हैं तो ऐसा नहीं है हमें सब पे ध्यान देना होता है केवल गणित या कुछ केवल पढ़ने लिखने पे नहीं खेल कूद जो मन में आए सब पे हर चीज़ पे ध्यान देना होता है क्लियर तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा है तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन देखो जहाँ शिक्षक सारे अधिगमों में आगे होता है और विद्यार्थियों से निष्क्रिय रहने की अपेक्षा करता है मतलब टीचर को जो मन कर रहा है वो पढ़ा रहा है बच्चों से कोई मतलब नहीं है बच्चों से कह रहा है बेटा तुम शांत बैठो मैं पढ़ा रहा हूँ क्या पढ़ना है क्या समझ में आया नहीं आया ऐसा कुछ पूछ ही नहीं रहा बच्चों से फीडबैक ले ही नहीं रहा है है ना तो ये चीज़ गलत हो जाएगी थर्ड ऑप्शन देखो जहाँ उसकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं देखो एक टीचर को बच्चों की संवेगों को समझना आवश्यक होता है है ना समीकात्मक नीड्स जो हैं उनकी या है ना तो इन सब चीज़ों को टीचर को समझना चाहिए और ये भी समझना चाहिए कि बच्चे जो अपने साथ लेके आए हैं जो बाहर वो सीख के आए हैं तो वो इम्पॉर्टेंट है बच्चों को ऐसा लगाना चाहिए कि जो सीख के जिसके पास जो नॉलेज है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जब बच्चों को ऐसा लगेगा तब वो अच्छी तरह से सीख पाएंगे यानी कि प्रभावी अधिगम वहाँ पर होगा है ना तो ये थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा क्लियर फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं जहां शिक्षक एकाधिकारवादी है और स्पष्ट आदेश देता है कि क्या करना चाहिए फिर ये वही चीज़ हो गई सेकेंड ऑप्शन की जैसे कि टीचर बस कह रहा है कि ये आदेश दे के बेटा ये पढ़ लो वो कर लो बस बोले जा रहा है कह रहा है एक डिक्टेटर एक जो ऐसा राजा जो किसी की सुनता नहीं है ऐसा शिक्षक ऐसा हो रहा है है ना क्या करना है क्या नहीं करना है इससे कोई मतलब नहीं है तो ये चीज़ हमारी गलत हो जाएगी यहाँ पे ऑप्शन कौन सा होगा हमारा थर्ड ये हमारा सही हो जाएगा अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हाँ, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं क्लियर अब थर्ड ऑप्शन थर्ड क्वेश्चन क्या है एक बच्चा खिड़की के सामने एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है एक पक्षी इससे बच्चे की विचारों के बारे में पता चलता है क्या पता चलता है बच्चे की स्मृतियां पहले से ही पहले से भंडारित होती हैं मतलब उनमें एक कह सकते हो कि उनमें मेमोरी होती है, है ना तो भाई बिल्कुल सीधी सवाल है क्योंकि बच्चा पहचान गया तो अगर मेमोरी ना होती तो पहचान कैसे पाता है ना और बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है बिल्कुल वो उड़ती हुई चीज़ जो छोटी होती है जिस पर होते हैं वो समझ गया ना कि ये पक्षी है उसके टाइप को समझ गया है तो ये चीज़ भी सही है हमारी है बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का उपकरणों का विकास कर लिया है पक्षी देखकर पक्षी का बोल देना कि ये पक्षी है है ना तो भाषा की उपयोग कर रहा है तो ये चीज़ भी सही है तो हमारे तीनों ही कथन यहाँ पे सही हैं ए बी सी है ना तो ये पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा क्लियर है चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन है ना ठीक है आ, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या है कोई शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को क्या कहे कि उनके उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्ड करने के लिए प्रोत्साहित कर सके है ना इंटरनल जो मोटिवेशन होती है उसकी बात यहाँ पे कर रहा है काम जल्दी पूरा करो तो तुम्हें एक टॉफ़ी मिलेगी भाई तो अगर ऐसा बोलोगे तो बच्चा काम जो करेगा वो किस लिए करेगा टॉफी पाने के लिए जो कि हमारा एक बाह्य प्रेरणा का स्रोत है आंतरिक प्रेरणा उसमें नहीं आ पा रही है तो पहला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा सेकंड ऑप्शन देखो इसे करने की कोशिश करो और तुम सीख जाओगे है ना तो टीचर यहाँ पे क्या करिए बेटा तुम इस चीज़ को करोगे और कोशिश करोगे तो ये चीज़ हो सकती है तुम सीख भी जाओगे तो कहीं ना कहीं ये आंतरिक प्रेरणा की बात कर रहा है है ना क्योंकि यहाँ पे कोई चीज़ उसको नहीं मिल रही है ये किसी चीज़ को पाने के लिए नहीं कर रहा है वो सीखने के लिए ही सीख रहा है कहने का मतलब ये है यहाँ पे है ना तो ये मे भी ऑप्शन सही होगा लेकिन अभी आगे ऑप्शन भी देखते हैं थर्ड ऑप्शन देखो चलो इसे उसके करने से पहले समाप्त कर लो कहने का मतलब है कोई दो बच्चे हैं कह रहा है कि बेटा तुम इससे पहले करना है इसलिए कर रहे हो तो ये चीज़ भी एक्सटर्नल हमारा बाह्य प्रेरणा का स्रोत हो गया कि भाई दूसरे के करने से पहले कर लें ऐसा क्या बात हुई ठीक तो ये चीज़ गलत है कि फोर्थ ऑप्शन देखो तुम उसके जैसे क्यों नहीं हो सकते देखो उसने इसे एकदम ठीक कर लिया है तो यहाँ पे भी बच्चे की तुलना कर दे रहे हो आप कि यार वो बच्चा जब कर ले रहा है तो तुम क्यों नहीं कर पाओगे है ना तो ये सब चीज़ें यहाँ पे गलत हो जाएंगी हमारा जो सेकंड ऑप्शन होगा वो यहाँ पे सही होगा क्लियर है चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हाँ ठीक है फिफ्थ वाला कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने के लिए अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है तो यहाँ पे भी इंटरनल मोटिवेशन की बात करी है, वो कैसे आ सकता है पहला ऑप्शन देखो व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद करना है ना वो ये चीज कह रही है कि अपने खुद के अपने खुद के लक्ष्य बनाइए और उसमें निपुणता देने की बात कर रही है तो ये चीज़ कहीं ना कहीं सही हो सकती है कि बच्चे जब अपना खुद का काम करना होता है वो तो आंतरिक प्रेरणा आती है है ना दूसरे के काम करने से या दूसरे को देख के करने से इंटरनल मोटिवेशन नहीं आता है तो ये पहला ऑप्शन में भी सही होगा सेकेंड ऑप्शन देखो साफ दिखाई पड़ने वाले इनाम देकर तो इनाम तो हमारा एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है ना ठीक तो केवल टॉफी के लिए हाँ जैसे टॉफी तो टॉफ़ी पाने के लिए काम करेगा वो है ना तो ये चीज़ हमारी गलत हो जाएगी थर्ड ऑप्शन देखो उसमें चिंता और डर पैदा करके अगर तुम डरा दोगे कि यार नहीं आपको करना है चाहिए आप ये बहुत बड़ी चीज़ हो गई है कैसे करोगे अगर ऐसा कर दोगे तो वो बच्चा वैसे भी डर जाएगा करेगा ही नहीं छोड़ देगा वहीं भाग आएगा ठीक है तो ये थर्ड ऑप्शन भी गलत हो गया फोर्थ तो देखो प्रतियोगात्मक परीक्षण से तो यहाँ पे आप एक कह रहे हो कि यहाँ पे आप कंपटीशन रख दें है ना तो कंपटीशन से भी मोटिवेशन नहीं आने वाली ठीक तो यहाँ पहला ऑप्शन ही सही होगा क्लियर पहला ऑप्शन व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद करकर, है ना ठीक है सिक्स क्वेश्चन देखते हैं क्या है किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा तो उत्प्रेरित मतलब किस प्रकार से ऐसे कुछ बात कर रहा है ना तो पहला ऑप्शन देखो दंडात्मक उपायों का प्रयोग करके जिससे वे शिक्षक का सम्मान करें तो शिक्षक का सम्मान करने के लिए दंड दोगे क्या आप नहीं दंड देने की आवश्यकता नहीं दंड से बच्चा आपका और गुस्सा हो जाएगा वो आपका बिल्कुल भी सम्मान नहीं करेगा तो पहली चीज़ हमारी पहला ऑप्शन गलत होएगा सेकेंड ऑप्शन देखो ऐसे काम करने के लिए जिससे परीक्षा के अंत में वे अच्छे नंबर पा सकें तो वहाँ पर आप क्या कर रहे हो प्रभावशाली तो शिक्षक का उद्देश्य ऐसे थोड़ा ना होता है कि नंबर अच्छा पा सके वो और अच्छे अंक पा सके सॉरी परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर पाए वो नहीं तो प्रदर्शन की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है गलत हो जाएगी ये चीज़ थर्ड ऑप्शन देखो सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद कर दें है ना तो मतलब इस प्रकार से सीखने की बात कर रहा है कि जिससे वो चीज़ों को देखकर और ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करें या और ज़्यादा सीखने की के लिए जिज्ञासु हूँ है ना और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें सीखने के लिए सीखने का मतलब ये है कि कैसे और ज़्यादा सीखूँ मैं ये चीज़ सीखना है ना तो ये चीज़ हमारे लिए बहुत सही हो सकती है एक प्रभावशाली शिक्षक के लिए या हम ये कह सकते हैं कि विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करने के लिए ठीक है तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन की बात करते हैं रट कर याद करने के लिए तो यहाँ पर रट के रटने की बात हो गई प्रत्यास्मरण की बात आ गई तो वो चीज़ गलत हो जाएगी क्लियर तो हमारा सिक्स ऑप्शन का हो जाएगा सिक्स क्वेश्चन का हो जाएगा थर्ड ऑप्शन सही तो जो चीज़ मैं आपसे कहता जा रहा हूँ तो बस आप लोग सुनते जाइए बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा है ना चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं सेवेंथ नंबर क्वेश्चन क्या है सेवेंथ क्वेश्चन क्या है निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है तो भाई प्रभावशाली विद्यालय की क्या प्रथा होगी तो इसको ऑप्शन देखते हैं पहला ऑप्शन पहला ऑप्शन क्या है व्यक्ति सापेक्ष अधिगम प्रतियोगात्मक कक्षा निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन शारीरिक दंड तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन देखो यार शारीरिक दंड की बात कर रहा है बिल्कुल ही गलत है आप और थर्ड ऑप्शन क्या है निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन की बात कर रहा है ना तो मूल्यांकन करना होता है लेकिन बहुत ज़्यादा निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन की हमें आवश्यकता नहीं होती है, है ना तो प्रभावशाली विद्यालय की तो आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है उसमें तो ये चीज़ हमारी गलत हो जाएगी प्रतियोगात्मक कक्षा की अगर बात करें तो यहाँ पर आप वही है कि बच्चों के बीच में आप प्रतियोगिता करा रहे हो कि कौन सा बच्चा अच्छा है उसको ऐसा करने की कोशिश कर रहे हो है, है ना तो ये चीज़ भी हमारी गलत हो जाएगी अब पहला ऑप्शन क्या है व्यक्ति सापेक्ष अधिगम इसका क्या मतलब है व्यक्ति सापेक्ष अधिगम से मतलब इंडिविजुअल लर्निंग की आप कह सकते हो एक तरीके से है ना देखो क्या होता है कि आप बच्चे को कम से कम बीस पच्चीस तीस बच्चों के एक साथ पढ़ा रहे हो और बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है तो क्या करोगे उस बच्चे को अलग से समझाने की कोशिश करोगे है ना तो उसी को आप कह सकते हो व्यक्ति सापेक्ष अधिगम है ना तो ये चीज़ तो अच्छी है यार बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है आप अलग से पढ़ाने की कोशिश कर रहे हो है ना तो ये चीज़ हमारी सही है किसके रिस्पेक्ट में प्रभावशाली विद्यालय में है ना ठीक है तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा क्लियर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं आठ नंबर है ना चलिए आठ नंबर देखते हैं क्या है विकास का सिर पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है किस प्रकार बढ़ता है सिर पदाभिमुख का मतलब देखो सिर पदाभिमुख मतलब सिर से पैर की ओर ठीक है तो ये तो बहुत आसान चीज है तो पहला ऑप्शन हमारा सही जाएगा सिर से पैर की ओर यही इस यही मतलब है इस, इस सिद्धांत का है ना पहला ऑप्शन सही बहुत आसान है चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं नौ नंबर क्या कह रहा है भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है संवेदनशील कौन सा होगा या जब बच्चा बहुत ज़्यादा सीखने की स्टार्टिंग होगी कब सीखता है वो भाषा कब सीखता है वयस्क अवस्था में नहीं वो तो बहुत अच्छी तरीके से बोलना स्टार्ट कर देता है बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों समझता है बोलता है ना तो यहाँ पे नहीं प्रारंभिक बचपन का समय प्रारंभिक बचपन का समय कौन सा होता है लगभग दो से दो या तीन से कभी कभी बहुत जगह अलग लिखा हुआ है ना तो दो से दो या तीन से छः के मैं कह देता हूँ है ना ये जो समय होता है प्रारंभिक बचपन का समय है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्योंकि जो बच्चे होते हैं इसी टाइम भाषा सीखते हैं आपने आप आसपास के बच्चों को देखा होगा अपने घर में देखा होगा ना तो यही टाइम हमारे लिए बहुत ही संवेदनशील होगा क्लियर है अगर थर्ड ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे जन्म जन्म पूर्व समय की बात कर रहा है तो जन्म के पहले थोड़ा ना भाषा कुछ सीख के आता है यार वहाँ तो केवल रोना आता है वहाँ भी पेट के अंदर तो रोना भी नहीं आता किसी को तो मध्य बचपन का समय हमारा कौन सा होता है छह से आगे की बात कर रहा है छह से आठ दस ग्यारह बारह की बात कर रहा है ना तो ये चीज नहीं होगी वहां पर क्लियर चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं दस नंबर देखते हैं क्या है दस नंबर एक छह वर्ष की लड़की खेलकूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं और सप्ताहांत उसे प्रशिक्षण देते हैं बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होगी तो ए, क्या हो सकता है यहाँ पे तो पहला ऑप्शन देखो स्वास्थ्य और प्रशिक्षण तो प्रशिक्षण तो वहाँ पर तो उसको मिलने लगा उसके माता पिता प्रशिक्षण दे रहे हैं तो अच्छी बात है लेकिन यहाँ पे स्वास्थ्य जैसी कोई बात नहीं वहाँ पे हो रही है क्लियर है ठीक तो पहला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं अनुशासन और पौष्टिकता तो ठीक है अच्छे परिवार से हैं माता पिता भी एथलीट हैं तो मे भी पौष्टिकता अच्छी होगी लेकिन अनुशासन के यहाँ पर तो कोई बात ही नहीं करी गई है है ना तो ये भी चीज़ को ज़रूरी थोड़े ना है कि अच्छा खिलाड़ी हो तो अच्छा अनुशासन भी उसका होगा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है देखिए थर्ड ऑप्शन देखिए आनुवांशिकता और पर्यावरण तो क्योंकि उस बच्ची के जो उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं तो ये हो सकता है कि उसकी जीन्स के द्वारा उसमें भी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज आ गई हो उसकी बॉडी जो हो एथलेटिक बॉडी हो है ना ये चीज़ हो सकती है तो यहाँ पे अनुवांशिकता सही होगी और पर्यावरण की बात जो कर रहे हैं वहाँ पे वो प्रैक्टिस करती है सप्ताहान्त प्रशिक्षण देने के लिए बात कर रहे हैं वहाँ पे तो वो हमारे पर्यावरण के अंतर्गत आ जाएगी क्लियर तो ये जो हमारा ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन अनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों की परस्पर प्रतिक्रिया का ही परिणाम है क्लियर है बहुत बढ़िया ऑप्शन क्वेश्चन था ये एक अलग तरीके से पूछा गया है ना चलिए थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो गया अगले क्वेश्चन पे चलते हैं ग्यारह नंबर क्या है निम्नलिखित में से कौन से सामाजिकरण के गौड़वाहक हो सकते हैं गौड़वाहक का मतलब जिनकी कम इंपॉर्टेंस है ना तो यहाँ पे सामाजिकरण किसका सबसे ज़्यादा होता है तो सामाजिकरण में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है परिवार की है ना तो परिवार को बहुत ही मेन है तो यहाँ पे पहला ऑप्शन देखो विद्यालय और निकटतम परिवार सदस्य निकटतम परिवार के सदस्य का मतलब है ये भी हमारे मेन ही है ना तो ये चीज़ हमारी हो गई विद्यालय की अगर बात करें तो ये काफ़ी डाउटफुल है ना इसको अभी देखते हैं आगे चल के है ना तो यहाँ पे ये बेशक कम होता है विद्यालय का उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस सामाजिकरण में नहीं क्योंकि वो शिक्षा तो से संबंधित है ना सामाजिकरण में उसका रोल होता है लेकिन उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है क्लियर है सेकेंड ऑप्शन की बात करते हैं परिवार और रिश्तेदार तो परिवार की बात हो गई तो ये भी हमारे मेन हो गए रिश्तेदार भी हमारे मेन ही होते हैं ऑलमोस्ट है ना ठीक है थर्ड uh, ऑप्शन देखो यहाँ परिवार की बात कर रहे हैं तो ये भी हमारा मेन है पास पड़ोस पास पड़ोस होता है इंपॉर्टेंट लेकिन उतना नहीं है ना तो परिवार विद्यालय और पास पड़ोस दोनों ही इनकी इंपॉर्टेंस थोड़ी कम होती है परिवार से है ना और फोर्थ ऑप्शन में देखेंगे विद्यालय और परिवार तो यहाँ पे दोनों की ही कम है विद्यालय भी थोड़ा सा कम है और पास पड़ोस की भी थोड़ी कम होती है लेकिन एक चीज जो मुख्य बना देती है इन ऊपर वाले तीन ऑप्शन वो क्या है यहाँ पे परिवार है यहां भी परिवार है यहां, पे परिवार, है, यहां पे परिवार है और यहां पे परिवार नहीं है इसलिए हमारा क्योंकि गौड़ पूछ रहा तो गौड़ है तो यह दोनों हो गए ना हमारे तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा विद्यालय और पास पड़ोस क्लियर है चीज़ चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बारह नंबर है ना देखते क्या है ले वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है तो देखो यहाँ पे अगर का कब कांसेप्ट नहीं पता है तो सिद्धांत नहीं पता है तो आप इसको नहीं कर पाओगे है ना मैं बताता हूँ देखो पहला ऑप्शन क्या है मानसिक प्रारूप यानी स्कीमाज का समावेश स्कीमा की बात कौन करता है जीन प्याजें करते हैं तो यहाँ पे ये यह ऑप्शन बिल्कुल रहता है उद्दीपक अनुक्रिया युगमन तो यहाँ पर वागोस्की ने इस चीज़ के बारे में कभी भी बात नहीं करी है ना ही तो इन्होंने संतुलन की बात करी है ले वाइसो ले वायगोस्की ने बात करी है सामाजिक अन्योन्य क्रिया की है ना यहाँ मे कह सकते हैं इन्होंने सिद्धांत जो दिया था उसका नाम था सामाजिक सांस्कृतिक विकास है ना सामाजिक सांस्कृतिक विकास की उन्होंने बात कही तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि जो भी चीज विकास बच्चे में होता है संज्ञानात्मक हो चाहे जिस प्रकार का हो उसमें समाज के कारण ही होता है तो यहाँ पे सामाजिक अन्योन क्रिया की उन्होंने बात करी ठीक है तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा है ना चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं तेरह नंबर क्या है तेरह नंबर में देखते हैं आ, किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु की किस सोपान के अंतर्गत आएगा तो आगे देखते हैं यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए तो एक बच्चा कुछ ऐसा कुछ कह रहा है कि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे इसलिए आपको भी ईमानदार होना चाहिए तो ये नैतिक विकास की कोहलबर्ग वर्ग के नैतिक विकास के किस में आता है तो ये आएगा हमारा देखो बच्चा क्या कर रहा है यार खुद अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहा है कि अगर आप अच्छे रहोगे तो अच्छा आपके साथ होगा है ना तो ये कोई कुछ नहीं है ये बस पहला ऑप्शन देखो अच्छी लड़की या अच्छा लड़का अनुकूलन है ना तो उनका मतलब यह है यहाँ पर कि बच्चे अपने आप को अच्छा दिखाना की को कोशिश करते हैं है ना कि जो जब उनके साथ अच्छा व्यवहार हो अपने साथ अच्छा व्यवहार हो इसके लिए वो आप अच्छा काम करते हैं या अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं है ना तो पहला ऑप्शन अच्छा लड़की या अच्छा लड़की अनुकूलन है ना चलिए बाकी तो वहाँ पे पढ़ने की जरूरत नहीं है कानून व्यवस्था ये सब अलग है ना चलिए चौदह नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है जीन प्याजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है तो जब जीन प्याजे की बात करते हैं तो उन्होंने क्या कहा था ईश्वरीय न्याय पर विश्वास तो उन्होंने ईश्वर या विश्वास ऐसी कोई बात नहीं कही है ना ये बिल्कुल ही अलग चीज़ है ना ठीक है सेकेंड ऑप्शन देखो शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्बलन उन्होंने पुनर्बलन की भी कोई बात नहीं करी है शिक्षार्थियों शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन हाँ ये चीज़ उन्होंने कही है उनका कहना था कि बच्चा जो होता है एक अपने पर्यावरण का सक्रिय खोजकर्ता होता है या नन्हा वैज्ञानिक होता है ये किसने कहा है जीन प्याजे ने कहा ये सेंटेंस आप लोग बिल्कुल माइंड में बैठा लीजिए बिल्कुल ध्यान दीजिए कि सक्रिय खोजबीन करने वाले किसने कहा है जीन प्याजे ने कहा ये चीज बहुत बार पूछी जाती है क्लियर है तो यही ऑप्शन हमारा सही होगा थर्ड ऑप्शन विद्यार्थियों विद्यार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन क्लियर है फोर्थ ऑप्शन वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन तो यहाँ पे व्यवहार के अवलोकन की ऐसी कोई बात यहाँ पे हुई नहीं है क्लियर तो पंद्रह नंबर क्वेश्चन देखो क्या है जीन प्याजे के अनुसार प्रारूप यानी स्कीमा निर्माण तो देखो यार यहाँ पे फिर से जीन प्याजे आ गए कितना इंपॉर्टेंट जिन प्याजे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जीन प्याजे हो गए बाइगोस के हो गए इनको कभी छोड़ के मत जाना चलो फिर से देखते हैं जीन प्याजे के अनुसार प्रारूप यानी स्कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु तो नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है इन दोनों प्रक्रियाओं को जाना जाता है क्वेश्चन समझ में आया क्या नहीं आया होगा शायद अगर मैं समझाता हूं देखो कहने का इनका मतलब यह है कि आ, किसी चीज के बारे में आपका एक स्कीमा है है ना कोई नई परिस्थिति आती है या नई आप कह सकते हो कि नई जानकारी आती है तो जब आप नई जानकारी को ऐड करते हो या नई जानकारी में आपको संशोधन करना पड़ता है किस में नई जानकारी में संशोधन की बातें आप कर रहा है है ना तब कौन सी कंडीशन होगी उसको क्या बोलते हैं और जब आपके पास कोई स्कीमा है पहले किसी चीज़ के बारे में हाँ और आपके पास कोई नई कंडीशन आती है और नई सिचुएशन जब आपके सामने आती है तो जो पुराना स्कीमा था आपका वो काम नहीं आया नई परिस्थिति में तो आपको क्या करना पड़ा पुरानी स्कीमा में चेंज करने की आवश्यकता पड़ गई है ना तो जब पुराने स्कीमा में चेंज करने की आवश्यकता होती है तब उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं ये दो चीज़ यहाँ पर पूछी गई हैं चलिए अब ऑप्शन देखते हैं पहला ऑप्शन देखो साम्यीकरण और संशोधन तो इन्होंने पे जिम पेजन संशोधन जैसी कोई कॉन्सेप्ट उन्होंने नहीं दिया है सामीकरण दिया उन्होंने सामीकरण का मतलब यह है कि जब आप आपका स्कीमा नई परिस्थिति दोनों बहुत ही आसानी से आपका जो स्कीमा है वो नई परिस्थिति में काम कर जाता है तो एक वो स्टेज क्या होती है वानी सामीकरण की स्टेज होती है तो यहाँ पर तो परिवर्तन हो रहा है सामीकरण जैसी कोई बात नहीं हो रही तो पहला ऑप्शन तो हमारा बिल्कुल ही गलत हो जाएगा क्लियर अब तो यहाँ पर जो सेकेंड ऑप्शन है देखो समावेशन और समायोजन तो यही चीज़ यहाँ पर हो रही है समावेशन में क्या होता है आपके पास कोई स्कीमा होता है पहले से ही और इस स्कीमा में आप कोई नई चीज़ ऐड करते हो या तो केवल और केवल ऐड करते हो या इसमें कोई संशोधन करते हो तो इसको आप बोलते हैं क्या समावेशन है ना और जब आपके पास कोई स्कीमा होता है और इस स्कीमा की बेस में आप नई परिस्थिति से टैकल करने की कोशिश करते हो लेकिन वो स्कीमा आपका काम नहीं आता है आपको वो चीज़ें गलत कर देता है तो आप क्या करते हो नई चीज़ ग्रहण करते हो तब क्या होता है पुरानी स्कीमा काम नहीं आए तो इसमें चेंज करने की आवश्यकता पड़ जाती है पुरानी स्कीमा में तो इस चीज़ को आप बोलते हो समायोजन क्लियर है चीज़ तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन ही हमारा सही होगा ये चीज़ मैंने अपनी एक वीडियो में बहुत तरीके से समझा के रखा है वो बहुत इससे अच्छी शायद वीडियो आपको इतने अच्छे एग्जाम्पल आपको शायद नहीं मिलेंगे नेट पर कहीं क्योंकि पूरी स्टोरी वाइज मैंने समझाया हुआ है ना तो अगर आप उसको देखना चाहते हो तो यहाँ पर एक आई बटन लिंक आपको मिल जाएगा ऊपर तो वहाँ से ज़रूर देख लीजिएगा ओके चलिए ठीक है अगले क्वेश्चन में चलते हैं हो गया समझ में आया और यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर नहीं करोगे तो आप कैसे मैं आपके लिए वीडियो बना बना पाऊँगा है ना चलो सोलह नंबर क्वेश्चन देखते हैं किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो प्रगतिशील कक्षा की बात कर रहे हैं तो और शिक्षक की वातावरण की बात कर करें चलो ठीक है ऑप्शन देखो समावेशन को हतोत्साहित करेगा तो समावेश समावेशी कक्षा जो होती है मतलब बहुत से प्रकार के जो बच्चे हैं विशेष बच्चे सामान्य बच्चे सबको एक साथ पढ़ाना तो उसको हतोत्साहित करेगा नहीं हतोत्साहित नहीं करना होता तो हमें उत्साहित करना होता है यानी हम चाहते हैं कि उन सबको एक साथ किया जाए तो यहाँ पे हतोत्साहित की बात करें तो ये चीज़ हमारी बिल्कुल गलत हो जाएगी आवृत्ति को बढ़ावा देता है आवृत्ति का मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो कि यार एक चीज़ पढ़ानी है आपको उसको पाँच पाँच छः छः बार पढ़ाओ तो ऐसा नहीं है यार एक चीज़ को आप फिर वो तो पाँच बार पढ़ाने की बात तो ये हो गई कि आपने एक तरीके से रटा दिया उस चीज़ को है हाँ ना ऐसा पढ़ाया जाए कि एक ही बार में समझ में आ जाए वो बच्चा खुद उस चीज़ को समझने की कोशिश करे तो यहाँ पे हमें आवृत्ति बढ़ाने की बात नहीं करनी है ठीक है थर्ड ऑप्शन देखो खोज को प्रोत्साहन देता है तो प्रगतिशील कक्षा की बात ये होती है बच्चा खोज करके पढ़ता है वहाँ पर है हाँ ना तो ऐसा वातावरण बच्चे को दिया जाए जहाँ पर वो बच्चा खुद ही खोज कर सके तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो क्लियर है फोर्थ ऑप्शन है नियामक है तो नियामक का मतलब यह हो गया कि एक तरीके से नियामक का मतलब होता है आ, रेगुलेटर है ना तो यहाँ पे रेगुलेटर जैसी कोई बात नहीं है चीजों को नियंत्रित करने की कंट्रोल करने की आवश्यकता नहीं है तो थर्ड ऑप्शन सही है तो साफ साफ आप लोग को दिख रहा होगा है ना चलिए सत्रह नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हॉर्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि क्या सुझाता है भाई तो हॉर्वर्ड गार्डनर ने कहा कि एक व्यक्ति में कुल आठ प्रकार की बुद्धियां होती हैं है ना इससे उन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाला उससे समझते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा है ना पहला ऑप्शन देखो शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें है ना तो ये तो अच्छा लग रहा है है ना ऑप्शन तो सही सही लग रहा है सब कुछ इसको थोड़ा अभी बाद में देखते हैं ना इस पर थोड़ा गोला मार लेते हैं जो चीज़ पहले गलत जो ऑप्शन निगलेक्ट कर सकते हो उसको पहले निगलेक्ट कर लो ये सही तरीका होता है तो ऑप्शन आपका सही होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे है ना सेकेंड ऑप्शन देखिए क्षमता भाग्य है और एक अवधि के भीतर नहीं बदलती है मतलब एबिलिटी जो होती है कि इंसान में वो भाग्य से निर्धारित हो जाती है उसको आप चेंज नहीं कर सकते नहीं गलत इसको आप चेंज कर सकते हो है ना स्किल्स गेन करके चीज़ों को और अच्छी तरीके से समझ के पढ़ के है ना अपने आप को इम्प्रूव करके अपनी क्षमताओं को बदल सकते हो है ना तो ये चीज़ हमारी यहाँ पे गलत हो जाएगी सेकंड ऑप्शन थर्ड ऑप्शन देखिए हर बच्चे को प्रत्येक विषय आठ भिन्न तरीकों से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि सभी बुद्धियाँ विकसित हों एक व्यक्ति में आठ प्रकार की बुद्धियाँ होती हैं और एक टॉपिक को जब आठ प्रकार से पढ़ाया जाएगा तो वो तो बिल्कुल अजीब हो जाएगी ना समझ पा रहे हो एक सब्जेक्ट को आप हर तरीके से नहीं समझा सकते गणित आप संगीत की बात गणित में कैसे घुसा सकते हो थोड़ा बहुत तो समझ में आ जाता है लेकिन पूरी तरह से गणितीय बुद्धि को कैसे यूज़ कर सकते हो संगीत में है ना तो ये चीज़ हमारी गलत हो जाएगी यहाँ पर है ना फोर्थ ऑप्शन देखिए बुद्धि को केवल आईक्यू परीक्षा से निर्धारित किया सकता है बुद्धि जो आईक्यू परीक्षण है वो बहुत अच्छी टेक्निक है लेकिन इसके अलावा भी बहुत सी टेक्निक है जिससे हम बुद्धि को निर्धारित कर सकते हैं तो ये भी चीज़ हमारी गलत हो जाएगी यहाँ पे पहला ऑप्शन सही होता है इसका मतलब ये होगा किस प्रकार से सही होगा था, होता है देखिए उन्होंने कहा कि आठ प्रकार की बुद्धियाँ हैं तो ये कहा कि एक टॉपिक को पढ़ाने के लिए एक प्रकार की बुद्धि का प्रयोग किया जाना चाहिए इस प्रकार से सिस्टम को बनाया जाए इस प्रकार से रूपरेखा बनाई जाए बहुबुद्धियों की समझ में आ रहा है देखिए अगर आपको मैथ पढ़ानी है गणित पढ़ानी है तो कौन सी बुद्धि का यूज होगा तार्किक गढ़ती बुद्धि और अगर आपको भाषा पढ़ानी है तो कौन सा यूज़ करोगे भाषाई बुद्धि यूज़ करोगे हाँ इस प्रकार से आपको एक रूपरेखा बनानी है बुद्धियों की है ना तो ये मतलब इसका निकलता है आए समझ में काफ़ी अजीब सा क्वेश्चन था लेकिन अच्छा था आर समझ को एक एक चीज़ को ढंग से मैं समझा रहा हूँ और कोशिश करता हूँ कि आपको समझ में भी आए हाँ और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन तो काफ़ी हाँ ठीक है आप दिख रहा होगा ना अठारह नंबर क्वेश्चन है कोई पाँच साल की लड़की एक टी शर्ट को तह करते हुए अपने आप से बात बात करती है लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है चलिए इसको देखते हैं पहला ऑप्शन देखो जीन प्याजे इसकी व्याख्या सामाजिक अन्योन क्रिया के रूप में करेगा और ले वाइगोसकी वाइगो ले वाइगोसकी इसको खोज भी मानेगा बिल्कुल ही उल्टा लिख दिया इन्होंने जीन प्याजे बात करते हैं खोजबीन की जबकि वाइगो की बात करते हैं सामाजिक अन्योन क्रिया की है ना तो चीज़ों के यहाँ पे देखो जीन प्याजे को यहाँ पे लिख रखा है सामाजिक अन्योन क्रिया जबकि जबकि उल्टा है लिखा है ना तो ये चीज़ हमारी बिल्कुल गलत हो जाएगी सेकेंड ऑप्शन देखिए जीन प्याजे और ले वाइगो की इसकी व्याख्या बच्चे द्वारा अपनी माँ के अनुकरण के रूप में करेंगे तो यहाँ पे अनुकरण जैसी कोई बात नहीं हो रही है टीचर तय करना बच्ची सीखती है वो बात सही है अनुकरण के रूप में सीख सकती है लेकिन इन्होंने जीन प्याजे ने अनुकरण जैसी कोई बात ही नहीं करी है है ना लेव बाइगोस ने जो बात करी तो उसको अंतर्निहित अभिप्रवृत्ति के रूप में उन्होंने बात करी है है ना इंटरनलाइजेशन के बारे में बात करी अनुकरण की तो ये जो ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर जीन प्याजे को जीन प्याजे ने अनुकरण की कोई बात नहीं करी इसलिए थर्ड ऑप्शन देखिए जीन प्याजी और लेव बाइगोस इसकी व्याख्या बच्चे के विचारों की अहम केंद्रित प्रवृत्ति के रूप में करेंगे है ना तो उसी चीज़ को जब बच्चा खुद से ही बात करता है तो जीन प्याजे ने उसको बोला कि अहम केंद्रित प्रवृत्ति है है ना लेकिन लेव बायोगगोस्की ने इसको अहम केंद्रित नहीं बोला इसको उन्होंने कुछ और बोला है ठीक है बताता हूँ अभी फोर्थ ऑप्शन देखिए तो ये ऊपर के तीनों गलत हैं यहाँ पे तीनों गलत नजर आ रहे हैं फोर्थ देखिए जीन प्याजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेगा और लेव बायोगकी इसकी व्याख्या बच्चे की निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेगा जो कि बिल्कुल ही सही है है ना जीन प्याजे ने उसी चीज़ को अहम केंद्रित भाषा कहा और ले वाइगोस्की ने उसको निजी भाषा कहा जिससे अपने आप को वो नियंत्रित करती है या अपनी जो कर रही है उसको काम को या फिर किसी चीज़ को अपने व्यवहार को कंट्रोल करने की बात वो करते हैं जो कि बहुत अच्छी चीज़ है लेव वाइगोस्की ने ये चीज़ कही है ना चलिए समझ में आ गए बहुत बढ़िया ये टॉपिक है इसको मैं इसकी मैं एक नई वीडियो बना रहा हूँ आप लोग को इसकी वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा अगर बाद में बना दूंगा मैं अगर नहीं मिलता है तो आप डिस्क्रिप्शन में या फिर अपने मेरे चैनल पर जाके आप कहीं भी देख लीजिएगा बहुत बहुत तरीके से मैंने दोनों में डिफरेंस बताया हुआ है है ना चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है लिंग लिंग है क्या है भाई उन्नीस नंबर क्वेश्चन लिंग है क्या है देखिए यहाँ पे थोड़ा समझने वाली बात यह है कि लिंग को हिंदी में जब हम बात करते हैं तो ये एक ही चीज आती है लिंग हम मेल फीमेल में भी बताते हैं और लिंग एक और भी चीज होती है बताता हूं मैं इंग्लिश की जब हम बात करते हैं तो दो चीजें होती हैं एक ही चीज को एक होता है सेक्स और एक होता है जेंडर समझ आ रहा है इसीलिए पेपर में आपने जेंडर वर्ड बहुत जगह देखा होगा तो जो सेक्स है यहाँ पे है उसको तो हम मेल या फीमेल बताते हैं लेकिन जब जेंडर की बात करते हैं तो मेल या फीमेल से रिलेटेड किसी चीज की बात करते हैं है ना या लंबे बालों की बात कर लो तो मोस्टली क्या होती है लोड कनेक्ट करते हैं किससे फीमेल से तो ये जो कनेक्ट करने वाली बात है किसी चीज़ को एक चीज़ से कनेक्ट कर देना किसी एक प्रकार के सेक्स से मेल या फीमेल से कनेक्ट कर देना उसको आप जेंडर बोलते हो क्लियर है चीज़ थोड़ों दोनों में बहुत हल्का और एक बहुत बड़ा डिफरेंस भी है हल्का भी कह सकते हो बड़ा भी है तो इस चीज़ को समझने की आवश्यकता है यहाँ पर तो जब हम यहाँ पर लिंक की बात कर रहे हैं तो इस लिंक की बात उन्होंने करी है किससे ये एक सामाजिक संरचना यानी यहाँ पर जो बात करी गई वो किस चीज़ की बात करी गई होगी ये जेंडर की यहाँ पर बात करी गई है इंग्लिश क्वेश्चन में आप देखेंगे तो यहाँ पर जेंडर की बात करी गई है तो जेंडर किस प्रकार की समाज के द्वारा निर्धारित है लंबे बाल केवल लड़कियों के हो सकते हैं या लड़कियां केवल कुर्ता पजामा पहन सकती हैं लंबे कपड़े पहनेंगी हाँ ऐसा कुछ जो डिसाइड किया है वो समाज ने निर्धारित किया है इसलिए ये कौन सी संरचना हो गई हमारी सामाजिक संरचना आया समझ में बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी तो दोनों में अंतर को समझिए चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बीस नंबर लेब वायगोस् की देखिए कितने क्वेश्चन लेब वायगोट्स की और जीन के यहाँ पर आ चुके हैं तो इसको बहुत अच्छे समझने की कोशिश करेंगे ले बायोगकी के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले व्यक्ति के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे मतलब आप आप जो हैं आप एक शिक्षक हैं और ले बायोगकी से समाज संरचना सिद्धांत को बहुत ही ज्यादा मानते हैं तो आप क्या करेंगे आप देखो पहला ऑप्शन देखो तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्न प्रत्यास्मरण आप एक स्मरण जैसी चीज़ समझ लो है ना तो यहाँ पर याद करने वाली चीज़ें तो ऐसा हम नहीं करेंगे क्योंकि ले बाय को याद करने पे तो कभी ध्यान नहीं देते हैं वस्तुपरक तो विकल्पी प्रकार के प्रश्न तो यहाँ पे विकल्प देने की भी बात उन्होंने नहीं करी उन्होंने बात करी है समाज संरचना की समाज क्या होता है एक सहयोग एक सहयोगी रूप के रूप में रखता है ना तो थर्ड ऑप्शन देखिए यहाँ पर क्या है सहयोगी प्रोजेक्ट के रूप में है ना जो आकलन की बात हम करेंगे तो सहयोगी एक बच्चों का ग्रुप बना देंगे उस प्रकार से हम आकलन करने की वहाँ पर कोशिश करेंगे थर्ड ऑप्शन बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये ठीक है फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे मानकीकर परीक्षण स्टैंडर्ड टेस्ट की यहाँ पे बात कर रहा है है ना कि हर बच्चे के लिए कि स्टैंडर्ड निर्धारित है कि हाँ इतना कर रहे हो तो बहुत अच्छे हो अगर इससे कम कर रहे हो तो बेकार हो तो ये चीज़ नहीं करनी होती है और इन्होंने ले बायुड्स ने ऐसी कोई बात भी नहीं करी है क्लियर है ये तो ये तो वैसे भी हमेशा गलत होता है इक्कीस नंबर क्वेश्चन देखते हैं आ रहे समझ में देखो वीडियो को पूरा देखिएगा आप लोग है ना बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा मुझे लगता है अगर नहीं आ रहा तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इक्कीस नंबर क्वेश्चन देखिए अपनी कक्षा की वैयक्तिक विभिन्न भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को करना चाहिए क्या करना चाहिए भाई पहला ऑप्शन देखो बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें या भाई ये तो अच्छी चीज़ है बच्चों से बातचीत करके उसको दृष्टिकोण को महत्व देंगे तो ये तो अच्छी चीज़ है मे बी ये सही हो सकता है सेकंड ऑप्शन देखिए विद्यार्थियों के लिए कठोर नियमों को लागू करें तो भाई नियम को लागू हमें नहीं करना होता है बहुत ज़्यादा नियम पर हम ध्यान नहीं देते हैं ठीक है सेकेंड ऑप्शन गलत हो गया थर्ड ऑप्शन देखो शिक्षक और आकलन के समान और मानक तरीके तरीकों वही चीज़ मैंने भाई बताई पिछले क्वेश्चन में मानक स्टैंडर्ड बना देने के सभी के लिए आकलन भाई नहीं है आपको इतने नंबर लाने ही लाने हैं आपको ये चीज़ आनी ही चाहिए ऐसा कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हर बच्चा अलग अलग है सबकी कुछ ना कुछ विभिन्नताएँ होती हैं अपने अपने अलग अलग तरीके से सीखता है तो हम सभी के लिए समान या मानक हम निर्धारित नहीं कर सकते जो चीज़ हमारी गलत हो जाएगी फोर्थ ऑप्शन देखिए बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग कर उन्हें नामित करें फिर वही चीज़ है बच्चों नंबर के आधार पर उसको बच्चों को अलग अलग कर देना ये भी चीज़ गलत हो गई पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है क्लियर है उनके दृष्टिकोण को महत्व देना है और बातचीत करनी है बच्चों से क्लियर बाईस नंबर क्वेश्चन देखते हैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है यार इसमें बाईस नंबर क्वेश्चन देखिए आकलन उद्देश्य पूर्ण होता है यदि आकलन का एक उसमें उद्देश्य होगा कब होगा जब पहला ऑप्शन यह केवल एक वर्ष के अंत में हो देखिए आकलन एक ऐसी चीज़ है जिसको जितना ज़्यादा करो जितनी बार करो उतना ही अच्छा होता है है ना तो ये चीज़ केवल एक बार में करने की बात कर रहा है तो यहाँ पे ये चीज़ गलत हो सकती है गलत होगी ही ऑब्वियस ही बात है है ना क्योंकि आकलन तो कंटिन्यूस चलना चाहिए पढ़ाते टाइम भी और हर टाइम सेकेंड क्वेश्चन देखिए सेकेंड ऑप्शन देखिए विद्यार्थियों की उपलब्धियों में अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किए जाएँ तो देखिए तुलनात्मक मूल्यांकन किया जाता है ये देखने के लिए कि हमारी शिक्षण विधि या बच्चा किस प्रकार से एक पर्टिकुलर बच्चा किस प्रकार से उसकी शिक्षण पद्धति शिक्षण शिक्षण प्रक्रिया चल रही है लेकिन अंतर करने के लिए हम तुलनात्मक मूल्यांकन नहीं करते हैं है ना तो यहाँ पे ये चीज गलत हो जाएगी थर्ड ऑप्शन देखिए इससे विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार हो तो यार आकलन ऐसा आकलन करोगे कि भाई बच्चा डर जाए तनाव उसमें टेंशन उत्पन्न हो जाए नहीं गलत फोर्थ ऑप्शन सही होगा कैसे इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि प्राप्त हो यानी फीडबैक प्राप्त हो बिल्कुल सही बात है मतलब ऐसा आकलन हो कि बच्चा खुद समझ पाए कि यार कितना पढ़ रहा हूं मैं और कितनी चीजें मुझे समझ आ रही हैं शिक्षक को यह चीज समझ में आए कि कौन सी टेक्निक मैं यूज कर रहा हूं और कौन सी टेक्निक मेरे काम आ रही है कौन सी टेक्निक काम नहीं आ रही है क्लियर चीज फोर्थ ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा आसान है क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा आप लोग को आई थिंक है ना ट्वेंटी थ्री देखिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एन सी एफ दो हज़ार पाँच के अनुसार शिक्षक की भूमिका है क्या भूमिका है भाई देखिए एन सी एफ में एक डायरेक्टली चिपाई कि शिक्षक एक किस तरह काम करता है तो यहाँ पे शिक्षक काम करता है एक सुविधादाता की तरह वो चीज़ों को आसान बनाता है जो उसका पाठ्यक्रम है या बच्चे की जो लर्निंग प्रोसेस है उसको वो सुविधा उस मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो उसको आसान बनाने वाला या सुविधा देने वाला है ना तो ये ऑप्शन हमारा सही उसमें इसमें बाकी ऑप्शन पढ़ने की यहाँ पर कोई आवश्यकता भी नहीं है क्योंकि है ना अनुमति पर सत्तावादी सत्तावादी तो वही डिक्टेटरशिप वाली बात हो गई अधिनायक वो भी वही चीज़ है ना तो ये चीजें बिल्कुल गलत हो जाएंगी हमारा आ रहा में चौबीस नंबर क्वेश्चन देखते हैं अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम के अधिगम से क्या मतलब ठीक है जो मतलब शिक्षक जो शिक्षिका है वो अपने विद्यार्थियों के अधिगम से किस प्रकार से मतलब क्या अपेक्षाएं रख सकती है ऐसा कुछ कहने की बात कर रहा है ना पहला ऑप्शन देखो अधिगम के साथ संबंधित नहीं मानी जानी चाहिए चीज़ बिल्कुल गलत है भाई शिक्षिका है उसको तो अपेक्षाएं तो होंगी एक अधिगम से है ना जो शिक्षार्थियों के अधिगम से मतलब अपेक्षाएं रखनी चाहिए कहने का मतलब यह है है ना तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है क्योंकि यहाँ पे नहीं की बात कर रहा है तो सेकंड ऑप्शन देखिए पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ती बिल्कुल छोड़ती है प्रभाव क्यों नहीं छोड़ेंगी पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है।, है ना विद्यार्थियों के अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है यही चीज हमारी सहयोग आ रहा है देखिए फिर से समझ आया इस तो मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रही है इसमें ना देखो विविध कक्षा में विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं है ना पूरा सेंटेंस अब क्लियर करेक्ट करते हो तो समझ में आ जाएगा आप लोग है ना एक एकमात्र निर्धारित होती हैं नहीं ऐसे कुछ नहीं है आ रहे समझ में चलो पच्चीस नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है ठीक है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना तो शामिल करने से क्या होगा भाई देखो विद्यार्थियों विद्यालयों पर भार बढ़ा देगा देखो अगर हम हमको तो ये चीज़ लगती है कि यार आ, सही बात है यार जब विशेष आवश्यकता वाले बच्चे आ जाएंगे मान लो कोई विकलांग बच्चा आपके कक्षा में आ जाए तो क्या होगा विद्यालय का बाहर बढ़ जाएगा ऐसा लगता है आपको लेकिन ऐसी चीज़ें हमेशा गलत माननी है हमको क्योंकि वो बच्चा आ जाने से एक इन्वायरमेंट जो होगा हमारा वो रिच हो जाएगा मतलब एक ही जगह पर है कि आपको बहुत सी चीज़ें देखने को मिलेंगी है ना इस प्रकार से आप देखने की कोशिश करेंगे आप है ना चलिए तो ये चीज़ हमारी गलत हो गई सेकेंड ऑप्शन देखिए शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है तो ये चीज़ बिल्कुल ही सही है हम ये कोशिश करते हैं कि जो हमारा जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनके प्रति जो हमारा दृष्टिकोण है जिनकी विषय वस्तु है इनमें परिवर्तन होना चाहिए ये हम अपेक्षा रखते हैं या शिक्षण जो हमारा है वो अपेक्षा रखता है हमसे एक शिक्षक से एक संस्था से और बाकी विद्यार्थियों से है ना तो ये चीज़ हमारी बिल्कुल सही हो जाएगी सेकेंड ऑप्शन क्लियर है बाकी ऑप्शन जो देखिए देखिए जब तक आप पूरे सेंटेंस का पूरा मीन अर्थ नहीं समझोगे आप रियल लाइफ में ले जाकर समझने की कोशिश नहीं करूँ तब तक आपका ऑप्शन सही नहीं हो सकता है क्लियर है तो बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है मैं ऐसा नहीं है कि मैं बहुत सी किताबें पढ़ के बैठा हूँ नहीं ऐसा कुछ नहीं है मैंने बस चीज़ों को ऐसे ही समझ लिया है बस रिलेट कर करके है ना थर्ड ऑप्शन देखिए एक काल्पनिक लक्ष्य है ऐसा थोड़ी नहीं है यार ये चीज़ें करी जा सकती हैं काल्पनिक लक्ष्य नहीं है ये वास्तविक होना चाहिए जिस जिनमें फोर्थ ऑप्शन देखिए जिनमें अक्षमता ना हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है नहीं हानिकारक नहीं सबके लिए लाभदायक है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए भी और सामान्य बच्चों के लिए भी क्लियर है चीज चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं छब्बीस नंबर क्वेश्चन है विविध प्रकार की सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभव को बढ़ाती है यह कथन है तो ये चीज देखो जो चीज कही गई है वो सही है गलत है क्या है मैंने अभी आप लोग को बताया कि जब एक ही कक्षा में बहुत प्रकार की चीजें होती हैं बहुत प्रकार के बच्चे होते हैं तब वो एक बहुत बढ़िया इन्वायरमेंट बनता है क्योंकि बच्चे एक दूसरे से सीख पाते हैं है ना ऐसा नहीं है कि मान लो एक कक्षा में एक विकलांग बच्चा है और उसकी बाकी चीज़ें बहुत अच्छी हैं विकलांग है लेकिन उसको मान लो गिटार बहुत अच्छा आता है या फिर उसकी सिंगिंग बहुत अच्छी है तो उससे क्या होगा वो बाकी बच्चे उससे सीख पाएंगे है ना तो ये एक रिच इन्वायरमेंट कह सकते हैं इसको है ना रिच इन्वायरमेंट तो ये चीज़ बिल्कुल ही सही है ये सेंटेंस भी बिल्कुल सही है क्लियर तो पहला ऑप्शन देखो सही है क्योंकि इससे कक्षा अधिक श्रेणीबद्ध दिखाई देती है तो यहाँ पे ये चीज़ तो सही बोली लेकिन श्रेणीबद्ध दिखाने का कोई मतलब यहाँ पर नहीं है इसलिए पूरा सेंटेंस ही गलत हो जाएगा सेकंड ऑप्शन देखो गलत है तो ये सेंटेंस मैंने आपको क्या बताया ये सेंटेंस तो बिल्कुल सही है लेकिन यहाँ पर गलत बोल रहा है तो ये चीज़ ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा आगे पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं अगर चाहो तो पढ़ लो ठीक है छोड़ो इसको यार मैं पढ़ने की जरूरत है आवश्यकता स्पर्धा की ओले जाता है ना तो गलत है थर्ड ऑप्शन देखो यहाँ पर भी गलत बोल दिया सेंटेंस को लेकिन सेंटेंस हमारा सही है तो थर्ड ऑप्शन भी गलत हो गया फोर्थ ऑप्शन देखो सही है क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं वही चीज़ मैंने बताई मतलब कि अगर किसी एक बच्चे को एक चीज़ आती है तो बाकी बच्चों से और चीज़ समझ में आ जाएगी है ना जैसे क्योंकि गांव का बच्चा है उसको गांव की चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से आती हैं तो वो शहर के बच्चे उसको बहुत अच्छी तरीके से बता सकता है समझा सकता है है ना तो एक दूसरे को वो आ, जो स्किल्स शेयर करेंगे कहने का मतलब ये है तो हमारा फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही जाएगा क्लियर चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं क्या है सत्ताईस नंबर देखिए है ना चलिए सुनने में असमर्थ बच्चा तो सुनने में असमर्थ बच्चा है उसके लिए कुछ सेंटेंस दिए देखते हैं पहला क्या है नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराया जाए तो भाई बिल्कुल सही बात है हल्का हल्का बच्चे को अगर समझ नहीं आ रहा है सुन नहीं पा रहा है वो चीज़ें वो है ना या फिर कम सुन पा रहा है या बिल्कुल ही नहीं सुन पा रहा है लेकिन फिर भी अगर उसको बहुत अच्छी इक्विपमेंट या सुविधाएं अगर दी जाएँ तो वो अच्छा कर सकता है हर फील्ड में अच्छा कर सकता है क्लियर तो पहला ऑप्शन हमारा सही होना चाहिए लेकिन बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं ना नियमित विद्यालय में अपने सहपाठियों के समान कभी प्रदर्शन नहीं कर पाएगा गलत ये चीज़ हमें कभी माननी नहीं है बच्चा चाहे जितना भी उसकी कंडीशन ख़राब क्यों ना हो हमको ये मान के चलना है कि वो बच्चा बहुत अच्छा कर सकता है बहुत किसी न किसी चीज़ में बहुत अच्छा वो परफॉर्म कर सकता है क्लियर हमें ये मान के चलना होता है जो कि यहाँ पे गलत बोल दिया उसने है ना थर्ड ऑप्शन देखो श्रवण अक्षमता असमर्थता वाले बच्चों के विद्यालय में ही भेजे जाना चाहिए है ना भाई सुनने में समर्थ बच्चा है तो उसको श्रवण वाले जो श्रवणहीन बच्चे हैं उनके विद्यालय में भेज दिया जाए नियमित विद्यालय में नहीं गलत या चीज़ समावेशी कक्षा बनाओ यार जितने भी बच्चे मिल सकते हैं हम जैसे भी मिल सकते हैं सबको एक ही कक्षा में लेके आओ समावेशी कक्षा बनाओ फिर पढ़ाओ ये हमारा उद्देश्य होता है फोर्थ ऑप्शन देखिए केवल एकेडमिक शिक्षा से उपलब्ध लाभ नहीं उठा पाएगा उसे इस उसके इस, स्थान पर उसे व्यवसायिक शिक्षा देनी चाहिए है ना मतलब कहने का मतलब है उसको गणित पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है उसको ओ, हिंदी पढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं इंग्लिश पढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं उसको एक ऐसी चीज़ बता दी जाए कि भैया वो कम से कम अपना पैसा कमा सके वो कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत पैसा वैसा कमा सके अच्छी जिंदगी गुजार सके वो कहने का मतलब ये है ऐसी शिक्षा हम दे दें व्यावसायिक शिक्षा तो यार ये चीज़ गलत है यार है ना ये तो अन्याय हो जाएगा उस बच्चे के साथ क्लियर ये चीज़ भी हमारी गलत है बच्चा हर चीज़ में अच्छा कर सकता है वही चीज़ मैं बदबारों कह रहा हूँ बच्चा चाहे जैसा भी हो वो हर फील्ड में अच्छा कर सकता है ये हमें मान के चलना होता है क्लियर चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये भी अट्ठाईस नव क्वेश्चन देखते हैं आ रहा समझ में देखो यार ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है जो मैं कह रहा हूँ बस आप लोग सुनते जाइए बहुत अच्छी तरीके से मैं आपसे लोग से कह रहा हूँ कि एक के ऊपर नंबर आएंगे आप अगर पुरानी वीडियोज़ में जाके पूरी देख लें तो मैं श्योर कर सकता हूँ कि सभी वीडियोज़ आप मेरी देखें तो एक के ऊपर नंबर आ सकते हैं क्योंकि मैं केवल और केवल जो सीटेट में पूछा गया उसी को समझाने की कोशिश करता हूँ है ना और वही कॉन्सेप्ट बनाने की को कोशिश करता हूँ कि आप भी उस चीज़ को उसी तरह से समझ पाएं मेरी आवश्यकता हमेशा आपको ना पड़े क्लियर है चलो अट्ठाईस नंबर क्वेश्चन देखते हैं फिर से निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान विद्यार्थी की है भाई प्रतिभावान प्रतिभा बहुत अच्छी हो बच्चे बहुत प्रतिभाशाली हो तो उसकी क्या विशेषता होगी तो वह बहुत ही तुनक मिजाज होगा नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है तुनक मिजाज नहीं होगा वो तो बिल्कुल अच्छा शांत और बाकी लोगों से इंटरेक्शन करने वाला और सब चीज़ अच्छी होगी यार प्रतिभावान बच्चा है तो हर हाँ चीज़ अच्छी ही होगी अभी इससे बात है ना तो यहाँ पर तुरंक जाए वो नहीं होगा गलत हो जाएगा वह रस्मी व्यवहार करता है जैसे हाथ पटकना हाथ हाथ हाँ थपथपाना और डोलना डोलना तो ऐसी चीज़ें वो कुछ नहीं करता है बिल्कुल अच्छा बच्चा होता है सामान्य होता है उसमें कोई संवेगात्मक जो यहाँ पे ई क्या है हाथ को थपथपाना वो उसकी उतावलेपन को दिखा रहा है ना तो ऐसी कुछ चीज़ें वहाँ पर उसके बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं वो एक अच्छे व्यक्ति की तरह व्यवहार करता है आक्रामक और कुंठित हो जाता है वो आक्रामक भी नहीं होता है तो ये सब जो तीनों चीजें पे दिखाई हैं वो एक प्रतिभावान शिक्षार्थी की तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती है है ना अब बचा कौन सा फोर्थ तो फोर्थ ही हमारा सही होगा देखो भाई इसको थोड़ा हाँ पढ़ लेते हैं पहले ही टिक कर दिया मैंने देखो यदि कक्षा की गतिविधियाँ अधिक चुनौती बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये ध्यान रखिएगा यदि कक्षा की गतिविधियाँ अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ठीक है अगर आपको ये चीज़ें आती होंगी पहले से ही आप इतनी अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे तो आपको ये क्लास बोरिंग लग सकती है है ना आपको लगेगा कि यार क्या पढ़ा रहे हैं अगर आपको नहीं आती होंगी वो चीज़ें समझ में नहीं आती होंगी है ना या कम आती होंगी तो आपको लगेगा यार वहाँ सर क्या पढ़ा रहे हैं है ना तो ऐसी ही चीज़ वो बच्चा वहाँ पर फील करता है क्लियर तो ये प्रतिभाशान प्रतिभाशाल विद्यार्थी की पहचान होती है है ना तो कभी कभी तो आपको लोग की भी लगता होगा ना चलिए अभी तो प्रतिभाशाली ही हैं है ना उनतीस नंबर क्वेश्चन देखते हैं एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है भाई किस प्रकार से प्रभावी अधिगम को बढ़ाएगी पहला ऑप्शन देखते हैं अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देकर तो देखो प्रतियोगिता वैसे तो गलत होती है लेकिन प्रतियोगिता का कर यूज करते कहाँ पर है प्रतियोगिता का हम प्रयोग तब करते हैं जब सभी बच्चे एक लेवल को पा जाते हैं है ना पढ़ाई करी इस लेवल तक सभी बच्चे आ गए अब इस लेवल के आगे बच्चे सीख नहीं पा रहे हैं एक तरीके से आप कह सकते हो कि पठार क्रिएट हो गया है अधिगम में पठार क्रिएट हो गया तब हम प्रतियोगिता रखते हैं जिससे कि बच्चे इस प्रतियोगिता की वजह से आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे है ना तो प्रतियोगिता का ये कारण होता है लेकिन वो प्रभावी अधिगम को बढ़ाने की बात नहीं करता है क्लियर है चीज तो पहला ऑप्शन हमारा गलत होगा मैंने अब बस आपको ये बताया कि प्रतियोगिता का मतलब क्या होता है किस लिए इसका इसकी उपयोगिता क्या है प्रतियोगिता की उपयोगिता क्या है है ना क्या चीज़ है मजा आ गया ठीक है सेकंड क्वेश्चन सेकंड ऑप्शन देखते हैं विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके तो ये चीज़ देखो सेंटेंस पढ़ो विद्यार्थियों के जीवन से आप विषय वस्तु को जब कनेक्ट करते हो तो बहुत अच्छी चीज़ होती है मैंने भाई ऐसे ही पढ़ने की कोशिश करिए आप है ना जैसे कि आपको कोई सिद्धांत पढ़ाया गया उसको उसका एग्जाम्पल उसका उदाहरण को जब आप रियल लाइफ से कनेक्ट करोगे अपने आसपास की चीज़ों से कनेक्ट करोगे वातावरण से कनेक्ट करोगे तो वो चीज़ आपको जिंदगी भर याद रहेगी क्लियर है तो ये चीज़ हमें करनी चाहिए इससे प्रभावी अधिगम बढ़ेगा हमारा सेकेंड ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा ठीक है थर्ड uh, ऑप्शन देखते हैं अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देना तो वही चीज़ें ये पुरस्कार दोगे तो बच्चा क्या करेगा अपना पढ़ा अपनी पढ़ाई के लिए पढ़ने नहीं पढ़ेगा वो पुरस्कार के लिए पढ़ाई करेगा है ना अपने अधिगम करेगा तो किसके लिए करेगा पुरस्कार पाने के लिए और चीज़ के लिए नहीं ड्रिल और अभ्यास के द्वारा भाई ड्रिल और अभ्यास का मतलब क्या होता है ड्रिल और अभ्यास की आवश्यकता वहाँ पर पड़ती है जब हम जब किसी चीज़ को प्रैक्टिस की जरूरत होती है मतलब सॉरी कोई चीज़ एक बार करके नहीं समझी जा सकती है जैसे कि गणित विषय को आप अगर कोशिश करें या खेल खेलों की बात करें गणित और खेल विषय की जब बात करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है इसको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है तो ये चीज़ें वहाँ पर ज़्यादा काम आती हैं है ना प्रभावी अधिगम की यहाँ पर बात नहीं करते हैं बहुत बार बार पढ़ने से प्रभावी अधिगम थोड़ा ना हो जाएगा प्रभावी अधिगम तो कुत्ता होता है कि भाई एक बार पढ़ाया एक बार बच्चे ने देखने देखा और वो चीज़ समझ में आ गई है ना लेकिन फिर भी कुछ विषय ऐसे होते हैं जिनको वहाँ पर बार बार डिल की आवश्यकता हो सकती है क्लियर तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन था कौन सा था सेकेंड ऑप्शन ठीक आई थिंक समझ में आ गया होगा ना चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं तीस नंबर ठीक है क्या है बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं देखो कौन सा बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार पहला कथन देखो ए बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता है भाई देखो अभी मैंने पिछली पिछले उसमें बताया मैंने क्वेश्चन बताया कि सक्रिय प्राप्त करता है है ना ये चीज किसने कही थी ये कही थी जीन प्याजे ने जीन प्याजे ने कहा कि जो बच्चे होते हैं वो जानकारी कि सक्रिय प्राप्त करता हूँ या सक्रिय खोज करता होते हैं आप ये कह सकते हो तो यहाँ पे ये चीज़ हमारी गलत है पहला ऑप्शन उन्होंने गलत दे रखा है पहला कथन बी कथन की बात करते हैं बच्चे समस्या समाधान करता है बिल्कुल सही बात है ये चीज़ बच्चे अपनी समस्याओं का समाधान खुद खोजते रहते हैं चीज़ों को देखते रहते हैं है ना बार बार आपसे नहीं कहने आते हैं बहुत सी चीज़ों का जो सोल्यूशन खुद ढूंढ लेते हैं है ना चलिए आसान है ना सी ऑप्शन देखो सी कथन कथन देखो बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है तो ये भी चीज़ उन्होंने कही है जीन प्याजे ने ये चीज़ कही है डी ऑप्शन देखो बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक है खोज करता है मैंने अभी वही चीज़ कही तो तीनों ही चीज़ें कहीं ना कहीं जिन प्याजे ही ऑलमोस्ट कहीं है है ना तो पहला ऑप्शन तुम्हारा गलत हो गया हमारा सही है बी सी डी तो यहाँ पे बी सी डी को मिल रहा है चलिए अभी तो नहीं है नीचे देखते हैं कौन सा होगा बी सी डी है ना फोर्थ ऑप्शन बी सी डी क्लियर है तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा है ना और ये थर्टी क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं अब ये जो चैनल है मेरा कौन सा टीचरीफाई टी ई ए सी एच ई आर आई एफ वाई यहाँ पे मैं सी टेट और आगे सुपर टेट आने वाला है या टेट आने वाला है यू टेट इस सबको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा है ना और जितने भी प्रैक्टिस सेट मैंने आपको कराए हैं पीछे मैंने बहुत से करा रखे हैं जाके देखिएगा और कुछ वीडियोस मैंने डाल के रखी हैं अपने यूट्यूब चैनल पर तो वो भी आप लोग देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए होने वाली हैं और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे नंबर लेगा कम से कम एक के ऊपर इतने नंबर चाहिए है ना और अगर व्हाट्सएप ग्रुप से आप नहीं जुड़ जुड़े हुए हैं तो जुड़ जाइए उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक आप लोग को मिल जाएगा ग्रुप का या फिर आप डायरेक्टली मैसेज भी मुझे कर सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो जैसे कि मेरा नंबर है इक्यानबे चालीस चौहत्तर नब्बे बारह क्लियर है तो इस पर आप मैसेज कर सकते हैं कॉल कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है चलिए तो मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोग से मिल ये काफ़ी अच्छी क्लास थी है ना तो चलिए आगे चलते हैं है ना और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा देंगे इससे आपको बहुत ही इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी है ना तो यहाँ पे चलिए ठीक है यार बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने कुछ है ना चलिए ठीक है अभी क्लास में मिलेंगे तब तक के लिए बाय बाय पढ़ाई करते रहिए बस एक काम करते रहिए जिंदगी में पढ़ाई चीज़ों को अपने आप को इम्प्रूव करते रहिए और कुछ नहीं अपने आप को इम्प्रूव करते रहोगे चीज़ें अच्छी होती चली जाएंगी क्लियर बाय बाय